हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनीता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू 2070s लैंडमार्क जजमेंट्स. 2017 के लैंडमार्क जजमेंट्स की इस सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे सेवंथ जजमेंट से, दैट इज रिलेटेड टू निर्भया गैंगरेप केस. आप सभी जानते हो कि जब निर्भया गैंगरेप जो केस था वो एक काफी इम्पोर्टेंट केस माना गया था, क्योंकि ये 2012 के दिसंबर में एक रेप कांड हुआ था, दिल्ली का रेप कांड, जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो. कहीं उसे निर्भया नाम दिया गया, कहीं उसे कुछ और नाम दिया गया. तो उसके अंदर जो एक्यूजिस थे उनमें से एक जो कोई राम कुमार नाम का, पता नहीं, राम सिंह नाम का एक अक्यूज था जिसने सुसाइड कर लिया था, और एक जो विनायल था उसको छोड़ दिया गया था. उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग बचे थे उनके डेथ पेनल्टी जो है प्रोनाउंस की गई थी, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ जजमेंट नहीं आया था कि कब उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, कौन सी डेट को और किस प्रकार से उसको कंफर्म किया जाएगा. तो डेथ पेनल्टी दी थी लेकिन उसकी कंफर्मेशन अभी तक बाकी थी. तो उस केस का नाम है मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का केस था ये. तो एनसीटी दिल्ली के अंदर जब ये केस हुआ तो मुकेश के नाम से ये केस था. इसमें क्या है कि क्या जजमेंट आया निकल गया, यानी कि क्या कंफर्मेशन मिला. इन अ लॉन्ग अवेटेड जस्टिस फॉर निर्भया के लिए एक लंबा समय तक जो न्याय की हम उम्मीद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली अपहेल्ड कर दिया था डेथ पेनल्टी और अवार्ड कर दी गई थी जो ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा दी गई थी, जो कल्प्रिट्स जो दोषी थे निर्भया केस में. इन ए हार्ट टचिंग जजमेंट, इस हार्ट टचिंग ऐसा जजमेंट था जिसने हार्ट को टच कर लिया, हार्ट के गहरे हिस्से में तक ये पहुंच गया था. द कोर्ट ने कहा कि इट साउंड्स लाइक ए स्टोरी, ये अगर लगे तो हमें लगता है कि ये एक स्टोरी की तरह है जो एक अलग संसार में है, वेयर ह्यूमैनिटी जो है उसको इररिलेवेंस माना, ह्यूमैनिटी की जहां कोई वैल्यू ही नहीं है. इस प्रकार से जब थ्री जज बेंच जो है डिसमिस कर दी थी अपील जो थी कन्विक्ट्स की, उन्होंने अपील की थी कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट जो है ना दी जाए, और बाद में कोर्ट ने क्या किया, इसका जो है कैपिटल पनिशमेंट जो है कोर्ट ने कंफर्म कर दी. जो डेथ पेनल्टी है उसको कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है, उसको कंफर्म कर दिया है. तो साथ ही साथ फिर आगे जो है इस केस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि निर्भया केस के बाद काफी लैंडमार्क अमेंडमेंट जो है आईपीसी में कर दिए गए थे, कुछ नए प्रोविजन ऐड किए गए थे. तो थोड़ा सा मैं उसको हेडिंग वाइज आपको थोड़ा पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन थे जो उस टाइम ऐड कर दिए गए थे. तो उन प्रोविजन को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. सबसे पहला इसमें ऐड किया गया था अमेंडमेंट किया गया था ऑफ सेक्शन 100 में अमेंडमेंट किया गया. सेक्शन 100 में क्या अमेंडमेंट किया गया था, सेक्शन 100 को अगर हम समझे तो उसके अंदर क्या है, आपको पता है सेक्शन 100 क्या है, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड होता है सेक्शन 100. तो सेक्शन 100 में ये बात कही गई थी कि जो प्राइवेट डिफेंस था प्रॉपर्टी का था, कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है उसमें आपको डिफेंस दिया गया है, आपके मान लो शरीर को कोई डैमेज कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर को कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो. लेकिन इसमें एक चीज और रख दी गई, अब ऐड कर दिया गया सेवंथ क्लोज ऐड कर दिया गया था. एक तो एसिड अटैक से रिलेटेड ऐड किया गया था इसमें, ये बात कही गई थी कि जो एसिड अटैक वगैरह कोई करता है तो उसके रिगार्डिंग जो ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, तो मान लो ऐसा एसिड अटैक से तो ग्रीवियस हर्ट ही होता है, बहुत गहरी चोट होती है आदमी की, जो भी जिसपे भी गिरता है लाइफ खत्म हो जाती है. तो उसके रिगार्डिंग एक प्राइवेट डिफेंस दे दिया गया, अगर आप पर एसिड अटैक किया जा रहा है तो जो है आपको प्राइवेट डिफेंस है कि आप अपने बचाव में सामना कर सकते हो. सेकंड इसमें पॉइंट ऐड किया गया था, एक इंसर्ट कर दिया गया था, इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था 166A and 166B. ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, देखिए 166A में तो ये था कि मान लो जो पब्लिक सर्वेंट है और वो डिसओबे कर रहा है जो भी कोर्ट की तरफ से लॉ की तरफ से डायरेक्शन है, मान लीजिए आपको FIR रिकॉर्ड करना है, जैसे 326A के मैटर होते हैं, 26B एसिड अटैक वगैरह के मैटर हैं, 354B वगैरह जो है, 354 जो है वो जिसमें मॉडेस्टी के रिगार्डिंग कोई है, या 370 का कोई मैटर आ जाता है, ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन का मैटर है, या 376 से रिगार्डिंग जो भी रेप के मैटर है, गैंग रेप के, उनमें अगर मान लो पुलिस जो है वो जानबूझकर रोल जो ओबे नहीं कर रहा है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उसको पनिशमेंट का प्रोविजन ऐड किया गया कि उसको जो पनिशमेंट है 6 मंथ से लेके 2 साल तक दी जा सकती है. तो ये बात इसमें डिस्कस की गई थी, ये ऐड कर दिया गया कि अब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे.
फिर 166 बी क्या कहता है, 166 बी ये कहता है कि मान लीजिए कोई विक्टिम है, इन सारे जो भी मैंने आपको पहले प्रोविजंस बताए हैं, इन प्रोविजन के अगर कुछ विक्टिम है और उनका ट्रीटमेंट होना है, अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता तो उसके रिगार्डिंग जो भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो अगर फॉलो नहीं करते हैं उस चीज को और ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो एक साल तक की पनिशमेंट और फाइन का प्रोविजन इसमें एड कर दिया गया था। फिर अमेंडमेंट किया गया, नेक्स्ट प्रोविजन है इसमें, अमेंडमेंट किया गया था किसमें किया गया था, सेक्शन 220 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 228A। आप ये प्रोविजंस माइंड में रखिए कि इन प्रोविजन में जो है अमेंडमेंट किया गया था। तो 228A में तो सिर्फ यही था कि 376A, B, C, D वगैरह के कुछ कंबाइन करके कुछ सेक्शन ऐड कर दिए गए थे, तो इसमें कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नया सेक्शन इम्पोर्ट किया गया था, इनकी इंसर्शन किया गया था, इंसर्शन किस चीज का किया गया, इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन, जो न्यू सेक्शन है 326 कैपिटल ए एंड 326 कैपिटल बी। तो ये प्रोविजन क्या है, इसके तहत आप कह सकते हो एसिड अटैक से रिलेटेड है, ये पहले प्रोविजन नहीं था, सिंपल ग्रीवियस हर्ट में फॉल होता था। अब कह रहा है कि 26A जो प्रोविजन है वो कहता है कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, एसिड से अगर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो रही है वो है। 326B कहता है कि वॉलंटरली जो थ्रो कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है एसिड अटैक, यानी कि एसिड अटैक से रिलेटेड 326A और 326B को एड कर दिया गया। फिर 354 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया, अमेंडमेंट इन सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। ये सारे प्रोविजन आईपीसी के ही है, तो मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि कई बार माइंड में कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये आईपीसी के हैं या सीआरपीसी के हैं, तो मैं साथ साथ नोट भी कर रही हूँ। तो मुझे क्या है, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे ये रहता है कि स्टूडेंट्स को, जो आप पढ़ रहे हो, जो मेरे वीडियो देख रहे हो, हालांकि मेरे इतने व्यूवर्स नहीं है अभी, लेकिन फिर मैं मेरी प्रॉपरली जो मैंने ड्यूटी है वो तो मैं फॉलो करूंगी ही करूंगी। ये 354 जो है मॉडेस्टी के रिगार्डिंग था, उसमें भी कुछ ऐड कर दिया गया था, वर्ड ऐड कर दिया गया था कि इसमें जो है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट जो है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था। फिर आगे जो है नए सेक्शन को ऐड कर दिए गए जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 354A, 354B, 354C and 354D ऑफ आईपीसी। सेक्शन क्या है, हालांकि मोस्टली को पता है 354A में तो ये है कि जो वर्क प्लेस पे, यानी कि सॉरी जो सेक्सुअल हैरासमेंट है उसके बारे में बात करता है, 354B बात करता है, बी से मतलब आप कह सकते हो डिसरोब करना किसी भी वुमेन को, सभी के सामने या पब्लिकली जो कहीं भी उसको उसके कपड़े उतारने उनके डिसरोब करना। 354C का मतलब है वॉयरिज्म का मतलब है जो किसी के, कोई लेडी कहीं नहा रही है कुछ है तो उसकी कोई वीडियो बना लेना या उसको जो है इंटरनेट पे अपलोड कर देना, ऐसा कोई प्रोविजन है। और 354D स्टॉकी, कोई किसी का पीछा कर रहा है उसके रिगार्डिंग जो है इसमें काफी एड करके इस प्रोविजन को लाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल गर्ल्स है और है, तो काफी कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट जो है इसमें कर दिए गए हैं। फिर है नए सेक्शन जो है, कह रहे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शंस 370 एंड 376A, जो पहले 370 होता था उसकी जगह नए सेक्शन ऐड कर दिए गए थे, तो इसमें आप लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शंस कौन कौन से सेक्शन, 370 एंड 370A को जो है उसमें ऐड कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, पहले जो था उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन अगर हम समझें तो इसमें क्या ऐड किया गया था, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन, नए सेक्शन सब्स्टिट्यूट किए गए, कौन कौन से किए गए, किन के लिए किए गए, फॉर सेक्शन 375, 376A, 376B, 376C and 376D।
ये जो है नए ऐड कर दिए गए, पहले वालों को रिमूव कर दिया गया। तो इस प्रकार से काफी चेंजेस लाए गए हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी मैं कहती हूँ कि स्पेशली फॉर वुमन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है 509 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया था, कुछ एक प्रोविजंस और भी चेंज किए गए थे, जैसे 376 में जो रिपीट ऑफेंडर के रिगार्डिंग जो पनिशमेंट के जो प्रोविजन है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो अमेंडमेंट किया गया था सेक्शन 509 में भी, अमेंडमेंट इन सेक्शन 509 भी जो है उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो ये बेसिकली मेन प्रोविजंस थे जो अमेंड करके लाए गए थे। तो मेरे हिसाब से मुझे यह बताना इंपॉर्टेंट लगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है और आपको आज का लेक्चर में लगता है कि सच में कुछ चीज है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां है तो आप मुझे वो कमियां मेरी बताइए कमेंट करके। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।